यस सर, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। प्रोडक्ट के बारे में देखिए, अगर आप ये देख सकते हो तो ये है कप एंड कोन फिलिंग मशीन है। जैसे आइसक्रीम कप एंड कोन्स में अगर आपको फिल करना है ऑटोमेटिकली, तो दिस इज़ द फुल ऑटोमेटिक मशीन। ये रोटरी है, इसका कैपेसिटी आता है 3000 कप्स एंड कोन्स एक घंटे में। दूसरा हमारा इससे बड़ा मॉडल आता है जो लीनियर में आता है, दैट इज़ 6000 कप्स एंड कोन्स पर आवर। तो ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम जो बनाते हैं, जैसे डेरी है और दूसरा हमारा डिवीजन है बेवरेज का जो ये संभालते हैं। ज़्यादा डेरी प्रोडक्ट्स के आप मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? दोनों 50-50 है अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन खाद्य खुराक में हमें जूस से ज़्यादा डेरी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा आते हैं। तो आप दूसरे साल जुड़े हुए हैं खाद्य खुराक के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खाद्य खुराक के साथ? जी, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो हमारा एकदम सादा था, स्टॉल वगैरह कुछ हमने किया नहीं था, जस्ट नॉर्मल पैनल था, बिकॉज वी नेवर थॉट दैट कि इतना कुछ आएगा। लेकिन जो रिस्पांस था फर्स्ट ईयर में, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था, तो इसकी वजह से इस बार हमने थोड़ा अच्छे से किया है। आप देख सकते हो स्टॉल डिज़ाइन में रिस्पांस अच्छा इसलिए आया, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फार्मर लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन और दें। तो हमने भी डिसाइड किया कि ये एग्जीबिशन को हम और अच्छा करें, और ताकि इससे और फार्मर लोग हमसे जुड़ें, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या है आइसक्रीम रिलेटेड, डेयरी रिलेटेड, वो गोमा इंजीनियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ना ही कि सेलिंग प्रपोज है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर लोगों को देना चाहते हैं। तो खाद्य खुराक का जो डेयरी के कस्टमर्स है, जो बहुत सारे कस्टमर्स, उन्हें पता रहना चाहिए कि अवेयरनेस है कि वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एंड दिस प्लांट। पूरे एग्जीबिशन को अगर आपको 5 में से स्टार देने तो कितने देंगे? सर लगभग मतलब 5 के 5 ही हम देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे कस्टमर्स और रिस्पॉन्स है। नहीं कि मोस्टली हमें सी स्टैंडर्ड कस्टमर तो आती है, जैसे अमूल है, कोई भी डेयरी है, सुमूल है या कोऑपरेटिव डेयरीज है, प्राइवेट डेयरीज है, वो कस्टमर तो उनको मालूम होता है नया टेक्नोलॉजी कौन कौन से कंपनी है। लेकिन जो नीचे लेवल के फार्मर्स लोग हैं, जो अपने लेवल पे काम करते रहते लेकिन उनको कंपनी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो खाद्य खुराक से ज़्यादा मालूम पड़ गया लोगों को। तो इसलिए हम जो स्टार दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मर लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वही हमारा मेन मोटो है कि हर कोने कोने में हमारा टेक्नोलॉजी जाए। तो गोमा तो हर साल जुड़ा ही रहेगा खाद्य खुराक के साथ। और आप अगर 5 में से स्टार देने तो कितने देंगे? जी बिल्कुल, मैं भी इनसे सहमत हूँ, 5.5 out of 5 दूंगा, बिकॉज जो रिस्पांस लास्ट ईयर हमें मिला था बहुत ज़बरदस्त था, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस था। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं, आज तो पहला दिन है फिर भी अच्छा रिस्पांस है, कल सैटरडे संडे तो और ज़्यादा होगा, तो आई थिंक 5 में से 5 तो देना ही चाहिए। और पूरे एग्जीबिशन को अगर एक शब्द में बताना है तो क्या कहें? बस इतना कहूँगा कि गुजरात का ही नहीं, ऑलमोस्ट फूड इंडस्ट्री का ये वन ऑफ द बिग एग्जीबिशन मैं कह सकता हूँ। एक शब्द बोलेंगे तो खाद्य खुराक मतलब खाने की चीज़ है, तो जहाँ पे खाद्य खुराक है वहाँ पे हम सब हैं। थैंक यू।